तेजी वाला मार्केट है और पिछले एक डेढ़ हफ्ते में तेजी और बढ़ी है। बताइए रूपा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडेक्स पर, अगला कौन सा लेवल है जिस पर ध्यान दिया जाए? एक इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन है, बट ब्रॉडर टेक्सचर अभी भी मार्केट का स्ट्रांग ही लग रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी इंडेक्स के लिए स्पेसिफिकली एक सुटेबल स्ट्रेटेजी हो सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा एक्टिविटी बढ़ गया है, तो आई थिंक वो जो ट्रेंड है या वो जो टेक्सचर है वो कंटिन्यू रह सकता है। बट निफ्टी में आई थिंक बाइंग ऑन डीप्स स्ट्रेटेजी बेटर रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी में अपनाएंगे। अमोल, अरुण, आपकी क्या रणनीति रहेगी, कोई खास सेक्टर जिस पर इस हफ्ते नजरें? देखिए अगेन सेम व्यू ही रहेगा जो दोनों बाकी एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में है, पर मुझे लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे अभी भी पार्टी थोड़ी बाकी है, क्योंकि अभी भी अगर आप स्मॉल कैप का इंडेक्स देखें तो 10,000 के आसपास है, 12,000 का इनका ऑल टाइम हाई है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छे गेंस बनते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन कंसोलिडेट होना चाहिए, जिस हिसाब से डेटा है 60% के ऊपर FIS की पोजीशन है, प्लस PCR भी 1.4-1.5 के आसपास है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो सकते हैं, पर स्टॉक्स में डेफिनेटली अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो बाइंग का ही माहौल रहेगा। रूपक, आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई, कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया है? जी, सेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आज का दिन में फाइनेंशियल सेक्टर में, बट ओवरऑल मुझे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी बैंकिंग पे बहुत ज्यादा बाइंग हुआ, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पे एक्सपेक्टेशन है, बट ओवरऑल अपसाइड में ट्रेड रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड नहीं रहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा।